नेपोटिज्म को लेकर आजकल बॉलीवुड में एक जंग सी छिड़ गई है। अब कोई भी नेपोटिज्म के बारे में अपने आप को सामने लाने से या फिर अपने ओपिनियंस को वॉइस आउट करने से नहीं घबराता है। ऐसे में एक नई एक्ट्रेस, मेड इन हेवन एक्ट्रेस यानिया भारद्वाज ने कुछ ऐसा कहा है नेपोटिज्म को लेकर बॉलीवुड में, और किस तरीके से नेपोटिज्म काम करता है बॉलीवुड में, कि उसको लेकर जो है आप भी अग्री करेंगे उनके स्टेटमेंट से। क्या है ये पूरी खबर, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। दरअसल यानिया भारद्वाज जो है प्रभात चौधरी नाम के इस मैनेजर से डील करना चाहती थी, यानी कि उनकी पूरी एक मैनेजिंग कंपनी है, वो उसके हेड है, और ये मैनेजमेंट कंपनी जो है सारा अली खान, अलाया फर्नांडिस, अनन्या पांडे जैसे एक्ट्रेसेस को गाइड करती हैं, मैनेज करती हैं। ऐसे में यानिया भारद्वाज चाहती थी कि प्रभात चौधरी उनको भी मैनेज करें, उनके लिए भी काम करें, क्योंकि आप समझ सकते हैं, व्हेन योर मैनेजिंग टीम इज गुड, यू गेट गुड प्रोजेक्ट्स, यू गेट अ गुड सोर्स ऑफ कनेक्शन इन द बॉलीवुड इन दिस इंडस्ट्री। ऐसे में यानिया भी चाहती थी कि प्रभात ही उनको मैनेज करें, लेकिन बॉलीवुड में नेपोटिज्म सिर्फ मूवीज में ही नहीं है बल्कि मैनेजमेंट में भी है। जी हाँ, आप जितने बड़े स्टार को मैनेज करेंगे ऑब्वियसली आपकी फर्म उतनी ही बड़ी हो जाएगी, और अगर आप सिर्फ स्टार किड्स को ही मैनेज करेंगे तो इस तरीके से आप आउटसाइडर्स का एक चांस छीन लेते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर इन टच विद यू, इन कॉन्टैक्ट विद यू, एंड उनकी जो एक फील्ड है वो ऑलरेडी लेवल नहीं हो पाती है। यानी कि यानिया यहाँ पर कह रही है कि शुरुआत से उन्हें एक लेवलिंग फील्ड नहीं मिली है, एक लेवल्ड फील्ड नहीं मिली है, तो कैसे वो बॉलीवुड में इन बड़ी बड़ी अदाकारों को टक्कर दें, कैसे वो स्टार किड्स को टक्कर दें, जहां पर वो ये कह रही हैं कि इस तरह के जो मैनेजर्स हैं प्रभात चौधरी जैसे, वो पहले से ही स्टार किड्स को या फिर उन लोगों को जिनका फिल्मी बैकग्राउंड होता है उन्हीं को मौका देते हैं। ऐसे में कैसे जो है यानिया इस इंडस्ट्री में अपने कदम जमाएं, तो उन्होंने साफ यहाँ पे कहा है दैट वी नीड अ लेवल्ड फील्ड ऑफ प्ले, तभी जाके हम अपने टैलेंट से आप सभी का दिल जीत पाएंगे। वहीं उन्होंने प्रभात चौधरी के लिए ये भी कहा है दैट ही हिमसेल्फ कम्स फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, और अगर वो इस तरीके से काम कर रहे हैं तो ही शुड सॉर्ट हिज वेज ऑफ वर्क। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी खबर के बारे में, जल्दी से लिख दीजिए कॉमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे। Thank you.